जी, तो कैन वी स्टार्ट टुडेज सेशन? आर यू ऑल रेडी नाउ? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. इन टुडे सेशन वी विल बी कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग विद द वर्कशीट दैट आई हैव टेकन अप विद यू इन द लास्ट सेशन. वी विल कंटिन्यू द सेम. एंड इन द प्रीवियस सेशन आई हैड डिस्कस्ड विद यू फिल इन द ब्लैंक्स एंड सम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. आई वाज आस्किंग यू एमसीक्यूज. आई थिंक आई डिस्कस्ड टू टू एमसीक्यूज. Further, I will further to MCQs. I will discuss with you in today's session, followed by some give examples for the statements, and then the Morning, ma'am. vegetables and fruits and their place of origin. If possible, we will try to complete short answers too. The children, have you all copied the questions that is given in the worksheet? आप yes, सबने कॉपी कर लिया है वर्कशीट के क्वेश्चंस को? यस मैम. ओके, सर रिटन द एमसीक्यूज. कमिंग टू द थर्ड एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल? ए एनिमल्स, बी प्लांट्स, सी वाटर, डी विंड. प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Please give me the answer in the comment. Okay, yes, the answer is plant. Animals, water and wind, they act as agents of dispersal. Many seeds which are very light, they get dispersed by wind. Some plants are very near to the water, so they, what happens is the fruits fall into the water and that fruit gets carried away. For example, coconut gets carried away with the waves and comes to the shore, and a plant grows from that seed. When it comes to okay, I've just okay, the what I left was animals. Animals also, they are agents of dispersal, children. How? I tell you, I had discussed with you how Velcro was discovered, right, by George Menstrel. What he saw was that there are certain hook-like structures in some type of seeds which get stuck to the fur of animals, and when they shake their body, those seeds get dropped on the ground, and when they come in air and water, when they get enough moisture at a right temperature, the whole germination process takes up. And बच्चे, मैं आपके साथ में जो वर्कशीट मैंने शेयर की थी गूगल क्लासरूम पर, मैं वो डिस्कस कर रही हूँ. अभी हम टेक्स्ट बुक डिस्कस नहीं कर रहे. एम आई क्लियर टू एवरी वन? कैजुअल क्लोथ इन गूगल, इन द गूगल मीट. सो प्लीज डोंट डू दिस. यू आर इन द अज्यूम योर सेल्फ टू बी इन द स्कूल एंड देन यू शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म. Will I see everyone in uniform tomorrow? Excuse me, children. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's continue with the worksheet, children. Now, you will give an example for each of the following categories. Seeds used as spices. Seeds used as spices. Cumin. Cumin seeds. Then? Jeera. Black pepper. Jeera, okay. Salt. Very good. Mustard. Mustard seeds. Any seeds, बच्चे, यू हैव अ कमेंट सेक्शन, राइट?
यू हैव द कमेंट सेक्शन टू रिप्लाई. आपको कितनी बार बोला है, थोड़ा सा आदत डालिए बच्चों हो गए सोयाबीन Seeds used as food grains. Rice, wheat, wheat, rice, yes. So seeds used as food grains can include rice, wheat, dal, I mean pulses. Now seeds used as pulses. बच्चे जो आपने दाल example दिया, these are examples of pulses. तो वो बच्चे food grains की category. Food grains. जी हाँ, वो फूड ग्रेन्स की कैटेगरी में नहीं जाएगा. कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ सीड्स व्हिच आर यूज्ड एज पल्सेस, जिनसे हम दाल बनाते हैं. कैन यू नेम सम दाल रहता है, अरहर दाल होती है, काली दाल, मूंग दाल, मूंग दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, मसूर दाल, मसूर दाल, चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, डू यू हैव बाजरा की रोटी इन विंटर्स? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम. गर्म रहती है. किसके साथ खाते हैं? बाजरे की रोटी और खाटे का साग होता है, राइट? और उसमें हम बहुत सारे फूड ग्रेन्स, पालक, बाजरे की रोटी को साग के साथ खाते हैं. और साग में क्या क्या डालते हैं? पालक डलता है, बाजरा डलता है, और स्पाइसेस डलती है, दही से बनाया जाता है. सो इट इज वेरी टेस्टी एज वेल एज इट इज वेरी हेल्दी. और इस तरह से बोला कहा जाता है कि बाजरे की रोटी खानी है तो घर में बहुत सारा घी होना चाहिए, राइट? क्योंकि वो अगर आपने उसमें अच्छी तरह से घी नहीं डाला तो वो आपको, वो जब आप खाओगे उसे तो आप, तो वो आपके जो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ बच्चे जो होती है, तो उसको क्या करेगी, वो छील देगी. तो इसीलिए आपको उसे सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत सारा घी उसके साथ यूज, उसमें उसके साथ खाना, मतलब उसके ऊपर अच्छे तरह से लगाओगे वो सॉफ्ट हो जाएगी, तब उसे खाटे के साग के साथ में खाया जाता है. Seeds which scatter by bursting of pod. Seeds which scatter by bursting of pod. पी, सोयाबीन. जिन बच्चों को, बच्चे पेज नंबर आप मत पूछिए, क्योंकि मैंने आपके साथ आपकी गूगल क्लासरूम पे वर्कशीट डाली हुई थी, उसी उन्हीं क्वेश्चन को मैं डिस्कस तो उसके साथ में डाली है, ताकि आप अगर सेशन में थोड़ा लेट भी आते हो, टूट जाता है आपका, तो यू ऑलवेज हैव द आंसर्स विद यू, तो आप लिख सकते हो. सीड्स विच स्कैटर बाय बर्स्टिंग ऑफ पॉड, एग्जांपल्स आर पी एंड सोयाबीन. पी एंड सोयाबीन मैंने आपके साथ में वीडियो भी शेयर किया था बच्चों गूगल क्लासरूम पर. व्हाट वाज इट अबाउट? इट वाज अबाउट बर्स्टिंग ऑफ सीड्स ओनली, राइट? डिड यू सी द वीडियो ऑफ बर्स्टिंग कुकुम्बर? यस मैम, यस मैम. अच्छा, सोयाबीन वाला आपने वीडियो देखा था, बर्स्टिंग ऑफ सोयाबीन? यस मैम. हाउ लॉन्ग डिड इट शूट? Did it cover a long distance? मैंने जो वीडियो आपके साथ में शेयर किया था बच्चों बर्स्टिंग ऑफ सीड्स, उसमें से एक था बर्स्टिंग ऑफ सोयाबीन सीड्स.
सो हमने देखा था कि व्हाट वी सॉ वाज सोयाबीन सीड्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर एंड प्रेशर ऑफ सनलाइट व्हाट हैपेंस इज जो जो सोयाबीन सीड्स जो होती है बच्चे वो इस तरह से कुछ लीफ में दो लीफ में इस तरह से बंद होती है इट्स नॉट लीफ इट्स द कवर ऑफ द सीड तो जब बहुत ज्यादा सनशाइन रहती है वो पूरी जो कवर होती है वो उसकी सूख जाती है और प्रेशर से आप देखोगे कि अगर एक लीफ जो है अगर एक लीफ वेट है यानी आपने उसको सीधा पेड़ से तोड़ा इट हैज वाटर इनसाइड इट तो वो अपने शेप में रहती है राइट पर ऐसा होगा कि मैं उसे रख दूं धूप में रख दूं वो सूख जाए या फिर आपके घर में पौधे होते हैं अगर उन्हें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल रहा होता है तो किस तरह से वो डिटेंगल हो जाती है किस तरह से अगर सपोज दिस इज द सीड सपोज दिस इज द लीफ इस तरह से लीफ है दिस इज इट दिस इज द लीफ व्हेन आई टुक दिस लीफ फ्रॉम द प्लांट पर अगर मैं इसी लीफ को सनलाइट में रख दूं काफी धूप में ठीक है तो इसी लीफ का शेप कैसा हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा ना बच्चों बिकॉज इट विल बिकम सेम हैपन पॉड्स आल्सो ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सनलाइट दीज the soybean pods they will fresh and when they lose their shape what will happen the soybean pods which are there inside it you know due to pressure it will move out it will disperse is it clear children yes very good yes ma'am Seeds that scatter by sticking on the fur of animals. Seeds which scatter by sticking on the fur of animals. The example is burdock seeds. Let me show you. Yes. Is this picture clear to you, children? Can you see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See how tall these are? Burdock seeds. Yes, ma'am. ये पहले ऐसे नहीं होते हैं पहले द प्लांट लुक समथिंग लाइक दिस सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज यस ड्राइंग अप आफ्टर ड्राइंग अप व्हेन द सीड्स आर फॉर्म्ड इट लूजेस इट्स ग्रीन कलर इट टर्न्स एब्सोल्युटली ब्राउन And brown? Yes, it becomes absolutely brown. Okay. Can you see the hook-like structures? The hook-like structures growing on it. When they become so dry, when they become this dry, they become hard. These horns are very hard. And when an animal walks in the garden, these hook-like structures will skip themselves. Itself in the fur of animals. Yeah. In the same way, now when these hooks get attached to the fur of animals, these get carried when the animal makes movement. These seeds get dispersed with the animal. In this way, animals will act as agent of dispersal for burdock seeds. Now. Seeds that scatter by wind. Ma'am, dandelion. Dandelion, very good. मैंने आपको कुछ और examples भी दिए थे class में. Open your classwork notebook. Did we write?
other than dandelion, is there any plant in which the seeds scatter by wind? Okay, tulips. ठीक है. Tulip. Tulip. Okay. Maybe in the next session I'll be able to get more examples of it, because those names were new to me too. Seeds that scatter by water. Seeds that coconut. ऐसे areas में होते हैं बच्चों जहाँ पे सी होते हैं. Christina, can I find you attentive in the class? Please do not place your face over your wrist, because that makes you feel lazy in the class. Are you all having water bottle with you? Christina, have a sip of water, and please be in the uniform from tomorrow's class. Gaurav, you too. Now, classify the plants according to the place of their origin. I hope you all must have written this question in your notebook. Yes, ma'am. How many of you have written? How many of you have written, children? Give me a thumbs up. भी बच्चे हैं जो रेगुलरली काम को कर रहे हैं. बाकी लोग भी आप लोग रेगुलरली काम को कीजिए ताकि आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो और आप गूगल क्लासरूम पे उसे सबमिट कर पाए. जिस काम करना नहीं होता ना, उसे सबमिट भी करना होता है. नाउ कैन यू नेम प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, कैन यू नेम वेजिटेबल्स व्हिच केम फ्रॉम व्हिच वर ऑलरेडी ग्रोइंग इन इंडिया. वर्कबुक में लिख लिया है. ठीक है, बच्चे को साथ में आप उस वर्कबुक की फोटो खींच के भी गूगल क्लासरूम पे डाल सकते हैं. व्हाट आई मीन, मैंने उसको वर्कबुक में लिख लिया. यस मैम, मैंने उसको वर्कबुक में लिख लिया. मैंने उसको वर्कबुक में प्लीज कीप साइलेंस इफ यू आर एबल. इफ यू हैव दिस वर्कशीट बुक, इफ यू हैव दिस वर्कशीट बुक विद यू एंड यू आर राइटिंग दिस आंसर्स इन द वर्कबुक, it's okay, absolutely fine. Because now why I am not giving asking you to buy this worksheet is, children, at times it might happen that all the questions you need not do. There will be few questions that I want you to do. Few questions will be there in the textbook itself, so I do not want you to do overwork. Like the questions which are there in the textbook itself need not to be done in the workbook. You should look for more better questions. Because this expands our knowledge, the radius of our gathering the knowledge will increase. Now, can you name the plants which are there, which were already grown in India? Can you name those plants which were already spinach. And methi, spinach, methi and spinach, methi and spinach. Okay. What came from Europe? Cabbage and peas. It was cabbage and peas. Some curries. Can you name some curries in which you use? Can you name some curries or dishes in which you use spinach and pea? Cabbage. Cabbage. Can you name some? Okay. हम noodles बनाते हैं. Noodles बनाते हैं तो उसमें cabbage डालते हैं. Yes ma'am. घी बनाते हैं. Right? Momos खाते हैं. Momos बनाते हैं तो उसमें भी एकदम बारीक कटा हुआ cabbage डलता है. Yes ma'am. Have you tried gravy momos? पकोड़ा और तहरी भी, इसके पकोड़े भी बने. नाउ पीज हम किस किस करी में यूज करते हैं बताइए. पीज हम कौन सी करी में यूज करते हैं? स्पिनेच, स्पिनेच सब्जी. पीज हम लोग मटर पनीर बनाते हैं तो उसमें यूज होता है. जब हम पकोड़े बनाते हैं वी पुट वेजिटेबल्स उसके साथ हम पीज भी डाल देते हैं.
अफ्रीका से क्या आया बच्चों? व्हाट डिड वी गेट फ्रॉम अफ्रीका? कॉफी एंड लेडी फिंगर। लेडी फिंगर लेडी फिंगर एंड कॉफी बीन्स। नाउ लेडी फिंगर एंड कॉफी बीन्स। व्हाट डिड वी गेट फ्रॉम साउथ अमेरिका? वी गॉट टोमेटो पोटैटो एंड ग्रीन टोमेटो ग्रीन चिली ग्रीन टोमेटो पोटैटो एंड ग्रीन चिली पोटैटो टोमेटो ग्रीन चिली दूसरा क्वेश्चन आपने नहीं लिखना है। दिस इज वन क्वेश्चन ऑफ गिवन इज राइट इट इट इज मेंशन इट इज देयर इन द गूगल क्लासरूम। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच इज देयर ऑन द नेक्स्ट पेज। कितना मैं अब होगा आई विल पुट दिस इन द गूगल मैन मैं वो वाला आंसर आप ही लिखा दो बच्चों गूगल क्लासरूम पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से देख के लिख सकते हो ये आंसर। आई हैव पुट द क्वेश्चंस विद आंसर्स। व्हाट आर द कंडीशंस अ सीड्स नीड्स टू स्प्राउट? व्हाट आर द कंडीशंस अ सीड्स नीड टू स्प्राउट? सो सीड्स बच्चे क्वेश्चन के लिए ना एक लाइन छोड़ देना। क्वेश्चन के लिए एक लाइन छोड़ देना और इसका आंसर मैं आपको अभी लिखा रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैम आपने ये वर्कशीट में भी भेजा था? बच्चे जो मैं अभी करवा रही हूँ आपको वो वर्कशीट में नहीं है, बट हाँ वर्कशीट की फोटोज मैं आपको क्लास के बाद में शेयर कर दूंगी। डू नॉट वरी, आप अभी आंसर्स लिख लीजिए ताकि आपका काम कंप्लीट हो। सीड्स में मैम वर्कबुक में लिख लूं? गूगल क्लासरूम पे भेजा था ना बच्चे? जिन्होंने गूगल क्लासरूम पे काम करके भेजा है मैं उसे चेक कर लूंगी वार्म टेम्परेचर। मैम जो आपने गूगल क्लासरूम में दिया था मैंने उसे अपने वर्कबुक में कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। डार्कनेस बच्चे कुछ मैम गुड मॉर्निंग मैम वर्कबुक है डार्कनेस मैम आपने वेस्ट का टेस्ट चेक नहीं करा इसलिए मैं उसे एज एन एसेंशियल कंडीशन में नहीं डाल रख रही हूँ क्योंकि कुछ सीड्स होते हैं जो कि बिना डार्कनेस के भी स्प्राउट हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पोजल ऑफ सीड्स? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? मैम बोर्ड को थोड़ा राइट साइड कर दो मैम, मुझे राइट साइड का नहीं दिख रहा। ये लीजिए अभी दिख रहा है। Is it clear to you now? See, the scattering. Good morning, ma'am. Ma'am, इसको कहाँ पे लिखना है? बच्चे ये this is a part of your worksheet. ठीक है? तो मैं आपको answers अभी दे रही हूँ. There's a seventh question is answer the following questions. तो class खत्म होते ही मैं questions का जो questions हैं question with answers गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी। आप प्लीज वहां से लिख लेना। मैं जो वर्कशीट वन है ठीक है वर्कशीट वन में ही डाल मैम आप क्वेश्चन लिखवा रहे हो? बच्चे मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रही हूँ आपको आंसर लिखवा रही हूँ टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग टू अवॉइड मैम वर्कशीट में है तो ना आप क्यों लिखा रहे हो? मैम ये वाला आपने पहले दिया हुआ है वर्कशीट में नहीं है मैम अलग से लिखवा रही है। कुछ भी मत बोल पहले वर्कशीट देख। ओ वर्कशीट में है पहले वर्कशीट में देख मैं आंसर दे दूंगा। हां है मैंने आपको यहां तक
वर्कशीट, मैंने आपके लिए जो वर्कशीट अपलोड की उसमें मैंने यहाँ तक डाला, यहाँ तक के क्वेश्चन डाले हुए. Now, what I am giving you the answer is the question. I am giving you the answer questions which are there on the next page. No, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, ये वाला आपने group classroom में send किया था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं आपने कर दिया था. Okay, ठीक है बच्चे, जिन्होंने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है में, अभी आप क्लासरूम में कर लीजिए और फर्दर जो और भी एडिशंस होंगे उसके भी आंसर्स मैं आपको अभी गूगल क्लासरूम में अपडेट करके दे दूंगी. ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए, जिन्हें कुछ डाउट है वो लीजिए. तो क्राउडिंग ऑफ न्यू प्लांट्स एट अ प्लेस एट प्लेस इज कॉल्ड it promotes healthy growth. Healthy growth of plants. बच्चे इसमें इस question, इस answer में एक addition करना है आपको. It promotes healthy growth of plants as they get proper as they get proper sunlight, water. Right, please, ma'am. Water, nutrients, and air. अच्छा बच्चों, कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर एक कमरे में आपने, अगर एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं तो द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज, मतलब थोड़ा सा आपको घबराहट सी फील होगी या गर्मी लगेगी, राइट? अगर वहीं पे ही आप रूम में अकेले हो तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ना, टेम्परेचर में कम लगेगा, तो इसीलिए वैसे लगेगा. हाँ, तो इसलिए व्हेन देयर इज स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, जब स्कैटरिंग ऑफ सीड्स होती है बच्चे, तो क्या होता है कि एवरी प्लांट विल गेट प्रॉपर स्पेस. हम जब क्लास, अगर सपोज एक बेंच है क्लासरूम में, उसमें तीन लोग बैठ रहे हैं तो आपको कंजेस्टेड फील होगा ना, आप अच्छी तरह से लिख नहीं सकते, सेम दिक्कतें प्लांट्स के साथ में भी आती है. व्हेन दे आर ओवरक्राउडेड दे विल नॉट बी एबल टू ईट, दे विल नॉट हैव द एक्सेस टू गुड अमाउंट ऑफ, दे विल नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एयर, एंड द लीव्स फॉलिंग द प्लांट इटसेल्फ विल डाई इन सम डे. सो देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी दैट फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ दे शुड बी गिवन, देयर शुड बी स्कैटरिंग ऑफ सीड्स. Please make an addition to the question, children. Please make these additions to the question, to the answer of the question. Dakshita, हो सकता है बच्चे आपका कोई key type हो रहा है गलती से, key दब रहा हो गलती से, इसलिए. मैम वो device ना good. Seeds spread to far off places था. Can I rub the first question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम दोनों रब सकते हैं. मैम एक बात क्या लिखा मैम? कैमरा थोड़ा सा नीचे, मैम कैमरा थोड़ा नीचे कर दो.
भी ठीक है मैम, मैम को पिन कर लो। Now coming to the next question, children. मैम, ये बात मैम। Now, बच्चे हम third, मैम dropping with you the third question. How was Velcro discovered? How was Velcro discovered? Now coming to the fourth question. State a few conditions that leads to germinate. मैम अंशिका को आपसे कुछ पूछना है जी बताइए मैम इसकी लिखा है सेकंड क्वेश्चन सवाल सेकंड क्वेश्चन बच्चे द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स मैम सेकंड एक बात क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बच्चे यहां पे ना यहाँ पे आपको एक वर्ड ऐड करना है प्लांट द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय अ प्लांट ओवरक्राउडिंग ऑफ न्यू प्लांट्स एट अ प्लेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल इट प्रमोट्स हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट एज दे गेट प्रॉपर सनलाइट वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड एयर व्हाट आर द कंडीशंस दैट अ सीड नीड्स वर्कशीट के लिए उनको नहीं लिखना ना तो फोर एसेंशियल कंडीशंस एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन For germination of plant are water, oxygen, nitrogen are water, oxygen. मैम आपने थोड़ी क्वेश्चन नहीं करवाया हाँ बच्चे क्योंकि उसका आंसर काफी बड़ा है तो मैं आपको आज के सेशन में नहीं कल के सेशन में करवाऊंगी ओके मैम सनलाइट एंड टेंपरेचर Done, ma'am. जिन बच्चों का हो गया है प्लीज जिन बच्चों का हो गया है प्लीज नॉट क्लियर प्लीज मेंटेन साइलेंस मैम आप मैम मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग डन मैम डन मैम योर वॉइस इज जीरो डन मैम नो डन मैम ओके वेरी गुड जिन बच्चों का हो गया है वेरी गुड नहीं हुआ है प्लीज कंप्लीटेड अगर आपका हो जाता है आपको बोलना होता है डन मैम तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए क्योंकि अगर आप इस तरह से शोर मचाएंगे क्लासरूम में जिन बच्चों को लिखना होगा वो तो नहीं लिख पाएंगे ना हमें सबको सबके कंडीशन को साथ में लेके चलना पड़ता है बच्चे Yes, ma'am.
वॉइस इज क्लियर. Is there anyone who has not understood anything in the question? किसी question में doubt हो? No ma'am. Ma'am, scattering का मतलब क्या होता है? Okay. Let me. Ma'am, no question. No question, ma'am. Now, 1 minute बच्चों. मैम राइट साइड वाला भी दिख रहा है. मैम हु वाज वैल्ड टू डिस्कवर का आंसर आपने भेजा ही नहीं. आई नो बच्चे वो एक्चुअली आंसर इतना बड़ा था ना तो वो उसमें आ ही नहीं रहा था. जो स्पेस गिवन था ना उसमें आ नहीं रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको गूगल क्लासरूम ये क्लासरूम में ही करवाऊ मैं. ओके मैम. आप वर्कबुक में भी करते हैं आप वर्कबुक में करते हैं आप फोटो क्वेश्चन नंबर तीसरा नहीं करवाया. तीसरा नहीं थ्री होता है. बच्चे एक मिनट रुक जाओ. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. कोई ऐसा बच्चा है जिसको जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसमें डाउट हो? मैम स्कैटिंग. मैम नो. स्कैटिंग का मतलब? मैम स्कैटिंग का मतलब? मैम नो. कैन यू सी दिस डायग्राम? कैन यू सी दिस टू डायग्राम? लिसन टू मी. अभी एक प्लांट है जैसे मैंगो प्लांट है उसकी जो सीड्स होंगी वो क्या होगा कि वो एक जगह ही फॉर्म. दिस इज अ मैंगो ट्री. कैमरा थोड़ा नीचे कर. जो सीड्स होंगी उसकी जो सीड्स होंगी वो इसी के आसपास ही फॉल करेंगी. देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ. देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ. बनानी है क्या? कैमरा थोड़ा नीचे कर. नहीं बच्चे आपको बनाने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप एक बार इसे समझ लो. बच्चे को डाउट हो रहा था ना कि स्कैटरिंग ऑफ सीड्स में क्या. Now, इस ट्री की जो सीड्स है वो इसके आसपास ही फॉल करी एकदम पास पास में. बट नाउ इफ यू सी इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सोयाबीन पॉड. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सोयाबीन पॉड जिसमें की बर्स्टिंग होती है उसमें क्या होगा कि सीड जो है बहुत दूर दूर तक फैल जाएगी. कुछ एनिमल्स भी उस सीड को लेके और भी दूर तक जाए तो क्या होगा इससे इससे क्या पड़ेगा कि जो सीड्स अच्छी तरह से डिस्पर्स हुई है उन्हें प्रॉपर सनशाइन वाटर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट? नो मैम. नो मैम. नो मैम. नो मैम. नो मैम. नो मैम. यस मैम. कंप्लीट योर